रायपुर पहुंची नेता डिसूजा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है, लेकिन 2034 में रिजर्वेशन लागू होगा। मोदी सरकार ने महिलाओं को ठगने का काम किया है। महिलाएं सशक्त होके आए पूरे देश में, 15 लाख के करीब महिलाएं जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शंस में मेयर्स बन के चुनाव लड़के कहीं ना कहीं पंचायत में क्यों आए हैं। ये कांग्रेस के राजीव गांधी जी की सोच थी, जिन्होंने 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा था। तब राजीव गांधी जी ने नहीं कहा कि डिलिमिटाइजेशन होगा, सेंसस होगा। किस बात का सेंसस हम मोदी और मोदी सरकार से पूछना चाहते? क्या उनको ये नहीं पता कि देश में 50% महिलाएं हैं? 2011 में जो सेंसस देश में हुआ है, पहली बार कास्ट सेंसस हुआ है, वो सेंसस को वो देश के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं और उसके बलबूते पे क्यों रिजर्वेशन नहीं दे रहे?